बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं और उम्मीद करती हूं अल्लाह के फजल व करम से आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जी ये हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है, तो आज छुट्टी है, तो आज जी आपके साथ सुबह का नाश्ता शेयर, मैंने सोचा कि आपके साथ आज सुबह की रूटीन शेयर कर दूँ, क्योंकि अक्सर जी मैं स्कूल होती हूँ तो फिर शाम की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर की जाती है। तो जी सुबह सुबह जी अब सबसे पहले जी रोटी पकाएंगे, और बाजी ने जी इधर चाय रख ली है। तो आगे बढ़ने से पहले भी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई वीडियो जब आप तक पहुंचती रहे। तो फिर जी नाश्ता बनाते हैं और आपके साथ जी शेयर करते हैं। बाजी चाय बना रही हैं तो साथ इधर मैं रोटी बना लेती हूँ, और साथ जी हमारा साग बना हुआ है। कल व्यूअर्स बाजी ने साग बनाया था, तो मैं चूंकि स्कूल थी तो इस वजह से जी आपके साथ साग की रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। चूंकि साग को ज़्यादा टाइम लगता है तो उन्होंने जी जल्दी बना लिया था, मेरे आने तक जी साग बन गया था। ले आई हूँ, चिमटा पीछे रह गया था। व्यूअर्स आज दूसरा तीसरा दिन है, मैं जल्दी सो जाती नमाज़ पढ़ के, तो रात को मेरी 1-2 बजे जी आँख खुल जाती है, तो वो फिर मुझे नींद ही नहीं आती। तो सुबह जी जब फिर उठने का टाइम होता है तो फिर बड़ी गहरी नींद आ जाती है। तो फिर कल तो मेरी ईशा की नमाज़ ही रह गई थी, फिर मैंने आधी रात को पढ़ी थी। बाजी ने तो आज नमाज़ पढ़ लिया सुबह के उठ के, ना बाजी जी बड़ी जल्दी उठती हैं, बाजी की रूटीन है सुबह बड़ी जल्दी उठना, जल्दी सोना नहीं, लेट सोना और जल्दी उठना, और मेरी रूटीन है जी जल्दी सोना और जल्दी उठना। आज भी मैं स्कूल भी नहीं जाना था तो बड़े सुकून के साथ नींद आई है। जब स्कूल जाना तो भी बस फिर बड़ी वो टेंशन होती है कि आज जल्दी उठना है, तो वो फिर नींद भी नहीं आती। तो ये भी बस रात वाले बर्तन हैं जो बाजी अंदर से लेके आई हैं। मेरे जी मियाँ साहब ने रात को खाना खाया था तो पड़े होते हैं अंदर ही बर्तन। तो बाजी ये फ्राई पैन ले के, तो इसमें साग का तड़का लगा लेना, अंडा बना लेती हूँ, आप साग को तड़का लगा लें, ठीक है? नहीं, ये दही डाल देगा। ये रात को जो वीवा साग पकाया हुआ है तो वही जी अब नाश्ते में हम खाएंगे। बड़ा मज़ेदार साग बना है, ये गोभी सरयों का बना है ना बाजी? ये गंदले जो हैं वीवा, ये गोभी सरयों की हैं, सरसों का नहीं है, वो ज़रा कड़वा होता है। ये जो हमारे सामने खेत लगे हुए हैं वो दूर साइड पे, तो वहाँ से बाजी जी तोड़ के लाई थी। जब साग वीवा इधर लगता है तो ये जिन जिन की ज़मीनें हैं तो वो जी बारी बारी दे देते हैं। चाय को नीचे उतार लेना उधर साइड से, तो साग जो है इसमें घी है, घी डाल लें इसमें। चार रोटियां बनी है ना, आग भी बस हमारी जी बहुत ही कम है गैस, तो रोटी भी जी बड़ी मुश्किल से पक रही है, रोटी इकट्ठी हो जाती है ऊपर। बड़ी मुश्किल से भी ये नाश्ता बन रहा है, बड़ा है घी, थोड़ा ही बड़ा है, हाँ बड़ा है इतना ही। रोटी जी आखिरी रोटी है, चार रोटियाँ पकाई हैं अभी बस एक एक सब की। तो ये बस जी अब ये अंडा बनाना है, उसके बाद ये चाय जो है वो थोड़ी सी पकानी है, क्योंकि आग नहीं है तो साग को भी जो साथ वो तड़का लग रहा है, तो नाश्ता जी हमारा तैयार हो जाएगा। इधर भी बस हमारी गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, ख़ास तौर पे हर सर्दियों में जी वीवर्स इधर शाम को सुबह को जी गैस होती नहीं है या बहुत ही स्लो होती है। तो ये बड़ी मुश्किल से जी रोटी भी पक रही है, और ये साग को जी तड़का भी बड़ी मुश्किल से लग रहा है, बड़ी देर से जी ये रोटी पकती है। तो ये विवाह साग को तड़का लग गया है, ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ये प्यारा साग लग रहा है, ये मज़ेदार भी विवाह बहुत ज़्यादा बना है। विवाह रोटियाँ जी हमारी तैयार हो गई हैं, दो रोटियाँ उधर हैं तो दो ही विवाह इधर हैं रोटियाँ। तो अभी अंडा बनेगा,
तो मेरे जी हस्बैंड जो है उनका ये नाश्ता तैयार है, और बाकी जो है वो भी दो रोटियां उनकी भी हैं बाजी की। ये मेरा जी वो भतीजी खाएगी रोटी। नमक नीचे लगाने से जी ये अंडा जो है वो तवे के साथ नहीं लगता, चिमट जाता है, चिचड़ा बन जाता है, वो फिर सारा अंडा जो है जी वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से जी ये फिर नमक नीचे लगाना पड़ता है। ये नॉन स्टिक का भी बस तवा था तो इसे साफ़ किया है, तो पता नहीं ये सारा जो ब्लैक ब्लैक है ये सारा उतर गया है, तो साथ जी अब अंडा जो है वो चिमट जाता है। अब जी चूल्हे को बंद कर देते हैं, अंडा तैयार हो गया है। अब अल्लाह करे ये साथ ना चिमट जाए, क्योंकि बस अंडा जी उतारते वक्त बड़ा डर लगता है ये साथ चिमट जाता है। हाँ ये थोड़ा 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 थोड़ा, हाँ अभी यहाँ से कच्चा है, साथ ही ना लग जाए, इसकी जर्दी ना ख़राब हो जाए। जर्दी पकानी भी नहीं है, कच्ची कच्ची रखनी है थोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अंडा माशाल्लाह सही बन गया है, ये जी तैयार हो गया है। तो बाकी का घी जो है वो इसमें डाल लेते हैं ताकि ज़ाया ना हो। अब ये जी को चाय डाली जाएगी, और इसमें मैं अपने जी हस्बैंड के लिए डाल लेती हूँ साग। उठ जाए, ये दरवाज़ा तो खुल गया जी। आप नहीं जी, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, नाश्ता करें। ये चाय बड़ी है इतनी, चलें जी। बाजी जी दही के साथ नाश्ता करती हैं, इनको दही बड़ी पसंद है, मुझे भी बस दही बड़ी पसंद है। चलो लेकिन मैं जी ठहर के वजह जी हम घर में ही दही जमाते हैं। बाज़ार से एक तो खट्टा दही मिलता है, दूसरा भी बस महंगा भी होता है, तो घर में ही जी हम लगा लेते हैं दही। भी बस ये थी जी आज की मेरी सुबह के नाश्ते की थोड़ी सी रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो बड़े दिनों बाद व्यूअर्स मैंने सुबह का जी नाश्ता बनाया है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद है कि आज की सुबह की रूटीन आपको पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो आइंदा जी अच्छी किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।